पिटबुल प्रजाति के कुत्ते आकार में छोटे होने के बावजूद बेहद खूंखार और आक्रामक नस्ल के होते हैं। दुनिया भर के लगभग 12 देशों ने इसको रखने पर प्रतिबंध लगा रखा है। हालांकि अमेरिका सहित कई अन्य देशों में पिटबुल को आज भी पाला जाता है। इन कुत्तों के अंदर बहुत ज्यादा ताकत होती है और इनका उपयोग वजन खींचने वाली प्रतियोगिताओं में किया जाता है। इनका शरीर काफी गठीला होता है। इनके इस शक्तिशाली शरीर के वजह से ही पिटबुल का इस्तेमाल डॉग फाइटिंग के लिए भी होने लगा। इन्हें इस तरह से रखा जाता है जिससे कि ये बेहद ही गुस्सेल हो जाते हैं। इन कुत्तों की काटने की क्षमता 235 PSI होती है। इनके जबड़े की पकड़ से किसी को छुड़ा पाना लगभग नामुमकिन है। ऐसे समय में सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप इनके नाक पर पानी डालें। इसलिए पिटबुल काफी जल्दी सीखने वाला कुत्ता है। अगर कोई इनका दोस्त बनना चाहे तब लोग जल्दी से इनके दोस्त बन जाते हैं, मगर इनकी आक्रामकता को रोकने के लिए इन्हें काफी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। 2005 से 2017 तक सिर्फ अमेरिका में ही पिटबुल के हमले से 284 लोगों की मौत हो चुकी है। इनके हमले की ऐसी कई वीडियोस आपने भारत में भी देखी होगी। तो चलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे डॉग ब्रीड के बारे में बताते हैं जो पिटबुल को हराने का दम रखते हैं। डोगो अर्जेंटिनो, ये एक लार्ज मस्कुलर डॉग ब्रीड है जो कि अर्जेंटीना से निवास करती है और इसका बाइट फोर्स है 500 PSI से भी ज्यादा। डोगो अर्जेंटिनो पिटबुल की तुलना में काफी बड़ा होता है। यही कारण है कि ये पिटबुल को हराने की क्षमता रखता है। टिबेटन मास्टिफ, ये भी एक काफी आक्रामक किस्म की डॉग ब्रीड है जिसकी स्पेशल टेक्निक है पावरफुल डिफेंस, मतलब कि दो डॉग ब्रीड इसके ऊपर अटैक भी करेंगे तब भी टिबेटन मास्टिफ अपने आप को बचा ही लेगा। इंग्लिश मास्टिफ, जिसका बाइट फोर्स है 550 PSI, ये एक जायंट डॉग ब्रीड है जिसकी जायंट बॉडी, सिमेट्रिकल हेड, इनकी हाइट इन्हें काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। इस डॉग ब्रीड का काम होता है प्रोटेक्ट करना और ये डॉग एक पिटबुल को हराने की क्षमता रखता है। केन कॉर्सो, इन्हें इटली देश की शान माना जाता है। इसका बाइट फोर्स 700 PSI होता है। केन कॉर्सो अपने विरोधी के ऊपर डायरेक्ट ही हमला करते हैं, मतलब कि ये डॉग ब्रीड अपने सामने वाले अपोनेंट को मौका ही नहीं देती। अपने स्ट्रेंथ के कारण इन्हें नीडर डॉग ब्रीड भी माना जाता है। कंगाल डॉग, एक ऐसी डॉग ब्रीड जो कि इस दुनिया की नंबर वन गार्ड डॉग में से एक है। कंगाल डॉग का थिक डेंस डबल कोट और हाइट और इनके दानव जैसे जबड़े इस कुत्ते को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। एक बार अमेरिकन पिटबुल टेरियर और कंगाल डॉग का फाइट हो गया था तो उस फाइट में कंगाल डॉग ने अमेरिकन पिटबुल टेरियर को घसीट दिया था। प्रेसा कनेरियो, जिसका बाइट फोर्स है 540 PSI। प्रेसा कनेरियो एक ऐसी डॉग ब्रीड जो कि एग्रेसिव डॉग ब्रीड है और इस डॉग ब्रीड ने 1982 से लेकर 2014 तक 40 लोगों पर हमला किया है। बैंड डॉग, ये एक हाइब्रिड डॉग ब्रीड है। इसे बुलडॉग और मास्टिफ डॉग ब्रीड को मिलाकर बनाया गया है। बैंड डॉग इंटेलिजेंट और हर समय अपने मालिक को प्रोटेक्ट करते हैं। ये एक गार्ड डॉग है। बॉरबुल, इसे साउथ अफ्रीका की शान माना जाता है और इसका बाइट फोर्स है 800 PSI से लेकर 850 PSI तक। यदि बॉरबुल और लेपर्ड की फाइट होती है तब उसमें बॉरबुल तेंदुए को बड़ी ही आसानी से हरा देगा। फ्रेंच मास्टिफ, इसका बाइट फोर्स 550 PSI से भी ज्यादा होता है। काउकेशियन शेफर्ड, जिसका बाइट फोर्स है 500 PSI से लेकर 700 PSI तक, एक ऐसी डॉग ब्रीड है जो कि एक गार्ड डॉग है। टोसा INU, ये एक जैपनीज डॉग ब्रीड है जो कि काफी रेयर डॉग ब्रीड में से आती है। इसका बाइट फोर्स 550 PSI से ज्यादा होता है। वुल्फ डॉग, जो कि एक हाइब्रिड है वुल्फ और एक पालतू कुत्ते का, इसका बाइट फोर्स होता है 406 PSI। ब्राजीलियन मास्टिफ, ये एक ऐसे गार्ड डॉग है जो काफी ताकतवर होती है, साथ ही ये बहादुर डॉग ब्रीड में से आती है। ब्लड हाउंड, एक ऐसी डॉग ब्रीड जिसको ब्रीड किया गया था डियर और वाइल्ड बोर जैसे जानवरों को मारने के लिए। नेपोलियन मास्टिफ, इसे इटली की शान माना जाता है और इसका बाइट फोर्स है 550 PSI। दोस्तों, यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तब आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि हमें यह वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। धन्यवाद।